हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 23 जून। 23 जून से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? तो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है। तो अब बात करते हैं, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है क्या? तो देखिए, जब बिहार में चुनाव चल रहे थे तब वहाँ की जो सरकार है उसने घोषणा की थी कि वो वहाँ के युवाओं को और महिलाओं को उनके काम के लिए लोन वगैरह प्रदान करेगी। तो उसी के चलते ये योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं उन्हें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। जो 5 लाख रुपए हैं वो लोन की तरह दिए जाएंगे, जिसको आप 84 किश्तों में वापस कर सकते हैं। ये बिहार सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हाल ही में रघुराम राजन को किस राज्य के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इन्हें तमिलनाडु की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। रघुराम राजन का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और ये 23वें नंबर के गवर्नर थे और अभी तमिलनाडु में कुछ टाइम पहले ही चुनाव हुए, तो वहां के सीएम एम के स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये अमेरिका बना है। तो एफडीआई से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी काफी बताए हैं, जैसे कि भारत में सबसे ज्यादा निवेश किस देश के द्वारा किया जाता है, तो वो एफडीआई के चलते सिंगापुर के द्वारा किया गया था। और किस राज्य में किया गया था? तो वो गुजरात राज्य में किया गया था। और जो ये एफडीआई जो है की जो लिस्ट आती है कौन जारी करता है? तो ये UNCTAD के द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में सिल्वर लाइन परियोजना केरल में शुरू की गई है। अभी सिल्वर लाइन परियोजना है क्या? तो ये जो सिल्वर लाइन परियोजना है इसके अंतर्गत केरल के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक रेलवे लाइन बिछनी है, उसके लिए ये घोषणा की गई है। अभी तक वहां की जो रेल लाइन है वो थोड़ी सी घूमी फिरी है, जिससे उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर आने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसको देखते हुए ये सिल्वर लाइन परियोजना की घोषणा की गई है। इसके चलते वहां एक उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक एक सीधी रेलवे लाइन बनाई जाएगी, जिसमें 11 जिले शामिल हैं, जिसमें 11 स्टेशन भी बनाए जाएंगे। और इस बीच में अगर कोई भूमि आती है, जो ये रेलवे लाइन बनी उसका जो रूट तैयार किया गया है, उस बीच में अगर किसी की भूमि आती है तो उस भूमि पर अधिग्रहण कर लिया जाएगा और उसका जितना भी पैसे वगैरह होंगे वो दिए जाएंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु जुड़े हुए कुछ करंट क्वेश्चंस और हैं, जैसे कि भारत का पहला मजदूर आंदोलन संग्रहालय तमिलनाडु के अलप्पुझा में है, और भारत का पहला स्पेस पार्क तिरुवनंतपुरम में है, और भारत का पहला IWTC कोझिकोड में है, और डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत सबसे पहले भारत में केरल में ही हुई थी, और नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की शिकायतों के लिए जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी तैयार की है? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा तैयार की गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद वहां काफी हिंसा वगैरह हुई, तो उस पर शिकायत हुई, तो उस शिकायत पे कार्रवाई के दौरान वहां की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया कि वे इसकी जांच पड़ताल करें। इसके लिए वहां एक समिति का गठन किया गया, ये 7 सदस्य समिति है जिसके द्वारा इस हिंसा की जांच पड़ताल की जाएगी। और कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ये समिति का गठन किया गया है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन
12 अक्टूबर 1933 में हुआ था। और इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है या फिर निजी निकाय है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सांविधिक निकाय है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी जो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका जो अध्यक्ष होता है या तो वो सुप्रीम कोर्ट का पूर्व या तो वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होंगे, या फिर इस बार 2019 में इसमें एक चीज और ऐड की गई है कि अभी तक तो यही पढ़ते आए थे हम कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही होंगे, लेकिन 2019 के परिवर्तन के बाद इसमें यह निर्णय लिया गया है कि अब इसमें कार्यरत न्यायाधीश भी इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। और इसका कार्यकाल पहले 5 साल का हुआ करता था या 70 वर्ष उम्र तक का हुआ करता था, लेकिन इसमें भी 2019 में परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का रहेगा और 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है। तो 2019 में इसमें ये 2-3 परिवर्तन हुए हैं। इसकी संरचना ऐसी रहती है समिति इस आयोग की कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 12 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति धारा 4 के अंतर्गत की जाती है। और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और इससे एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो काफी बार एग्जाम में आ चुका है और आने के चांसेस भी रहते हैं, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे, जो हमें याद रखने हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसको नोटिफिकेशन मिला, आप तुरंत वीडियो देख सकें। और आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहां जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और आज के क्वेश्चंस की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।